पावर खत्म ना हुई, पावर पावर ऐसे से शुरू होला ऐसे से खत्म हुई, पावर तो सर क्यों कहां से ले। हमने जो किया हमने जो किया हमने क्या क्या किए घेवड़ा किया कुछ नहीं। वैसे एक कहावत है, अगर एक ही परिवार में बहुत सारे लोग हो तो शायद आपस में टकराव और तकरार होते रहता है। और ठीक यही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच आपसी तकरार और प्यार भी देखने को मिलता है। और अभी से कुछ महीने पहले ही शायद उस लाइव के सिलसिले को आपसे नहीं भूले होंगे जिसमें खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर पवन सिंह को काफी भरा भुला बोला था, उसके बाद से सारा माहौल खराब हुआ था और शायद वो विवाद इतना बड़ा था और शायद उसके बाद से यूपी बिहार की ऑडियंस ने यह अंदाजा लगा लिया था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव शायद अब एक दूसरे को कभी भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन जरा रुकिए, लीजिए पहली बार खेसारी लाल यादव की तरफ से एक प्यार भरा मैसेज पावर स्टार पवन सिंह को दिया गया है जिसमें खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर इशारों इशारों में पवन सिंह को एक पॉजिटिव मैसेज दिया जिसमें खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह को, जरा ये भी सुन लीजिए। मैं आप सबका विरोधी नहीं हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका भाई हूँ, आप लोग मुझे मत बनाइए दुश्मन। आप सबका प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट मिला तो हम सब एक दूसरे को प्यार में पकड़ के एक दूसरे का को प्यार करके भोजपुरी की भाषा को बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को गंदा बोल के एक को नीचा दिखा के हम एक दूसरे को बड़ा कर सकते हैं। नहीं, हम अपने भाषा को नीचा दिखाते हैं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आप सबकी कसम खा के बोलता हूँ कि आप जहाँ भोजपुरी को नहीं देखे होंगे ना, वहाँ कोशिश करेंगे हम लोग सब एक दूसरे के सपोर्ट से जब हमारी भोजपुरी वहां भी जाके खड़ी हो जाए। पता, मैं अपनों से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं किससे लड़ूंगा, आप भी मेरे अपने ही हैं, मेरे भाषा के लोग हैं।